ब्राइट न्यूज़ पे आपका स्वागत है। अब फल सब्जी बेचने वालों के साथ भी धर्म के नाम पर नहीं थम रहा है भेदभाव। प्रधानमंत्री से लेकर आरएसएस के प्रमुख ने भी कहा कि बीमारी को आप धर्म से नहीं जोड़ सकते हैं और एक मरीज को आप पूरे समुदाय से नहीं जोड़ सकते हैं। उनके कहने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं दिख रहा है। अभी भी फल सब्जियों के ठेले पर इस तरह के धार्मिक ध्वज लगा दिए गए हैं। अब आप रविश कुमार से सुनिएगा। कितनी बार प्राइम टाइम में पूछ चुका हूँ, तब भी फर्क ना पड़े तो सोचना चाहिए कि हमने अपने लिए किस तरह का भविष्य आखिरकार तय कर लिया। कमाल खान की ये रिपोर्ट देखिए कि चेतावनी के बाद भी अगर विधायक बीजेपी के लॉकडाउन में फंसे लोगों को बड़ी राहत, प्रवासी मजदूरों, छात्रों और सैलानियों को घर लौटने की सरकार ने दी इजाजत। अब सुनिए इसकी तफसील। ट्रेन और प्लेन बंद है तो खास इंतजाम इसके लिए करना पड़ेगा। और इसमें ये भी खबर आई है कि राज्यों की आपसी सहमति जरूरी है, यानी कि जहां से वो जा रहे हैं और जिस राज्य में जा रहे हैं, दोनों राज्य की सरकारें आपस में अगर सहमत हैं बात करेंगी तो ये मुमकिन हो सकता है। मेरे साथ मनीष कुमार जुड़ रहे हैं। बिहार में सबसे बड़ी ये समस्या आ रही थी मनीष, लगातार, क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ मना कर दिया कि वो वापस नहीं बुला सकते छात्रों को, खास करके वो छात्र जो कोटा में फंसे हैं, क्योंकि राज्य केंद्र सरकार ने ऐसी कोई ऐसा नियम नहीं बनाया है। उन्होंने गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी थी। अब इस फैसले के बाद क्या? निश्चित रूप से अब बिहार सरकार के पास में किंतु परंतु करने के लिए नगमा कोई दूसरा आप कह सकती हैं कारण नहीं बचा है। अब जो कोटा में फंसे हुए छात्र हैं, निश्चित रूप से बिहार सरकार यह कहेगी कि उसके पास उतने पर्याप्त संसाधन नहीं है कि अन्य राज्यों की तरह वो सबों के लिए बस भेजे, क्योंकि अगर वो कोटा बस भेजेगी तो उसे बॉम्बे भी बस भेजना होगा। लेकिन हाँ, अगर जिनके पास साधन है, संसाधन है, उन व्यक्तियों को अब उसे रोकना उसके लिए मुश्किल होगा। इस आदेश के बाद में कोई भी छात्र, वो कोटा में हो, पुणे में हो, या कोई मजदूर अगर वो मुंबई में हो या वो हरियाणा में फंसा हुआ हो, लेकिन अगर उसने अपनी जुगाड़ से कोई साधन कर लिया, या अब तो राज्य सरकारों दोनों राज्य सरकार बातें कर सकती है, अगर जो होस्ट जो राज्य सरकार है अगर उन्होंने अपनी तरफ से साधन दे दिया तो निश्चित रूप से अब इन लोगों को रोकना जो है वो अब एक तरह से असंभव है। ये कहा था कि जिन्हें भी भेजा जाए उनकी स्क्रीनिंग कराकर भेजा जाए। आज के भी आदेश में आप देखेंगे कि जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं, यानी सबकी स्क्रीनिंग हो, अगर लक्षण नहीं है तो उन्हें भेजा जाए। यानी कि राज्य सरकारों के ऊपर में जहाँ पे वो आ रहे हैं, जहाँ के वो रहने वाले हैं, उनके लिए उतना ज्यादा सरदर्द नहीं होगा। हाँ, लेकिन देखना यह है कि जी। चलो साथियों, हम उम्मीद करते हैं देशवासियों के साथ बेहतरी होगा और हम आशा करते हैं कि सब देशवासी जो प्रवासी मजदूर है वो अपने मकाम पर सही तरीके से पहुंच जाए और उनके साथ सब कुछ सही हो। और हम उम्मीद ये भी करते हैं कि देश में हर चीज़ नॉर्मल हो जाए और सब सुखित रहे। आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं। जय भारत, जय हिंद।